बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी की रहने वाली फिल्म निर्माता सोहनी कुमारी की फिल्म आखिर पलायन कब तक शुक्रवार को रिलीज हुई। एक छोटे से गांव की गलियों से निकलकर फिल्म निर्माता बनने के लिए सोहनी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। तमाम परेशानियों के बावजूद सोहनी देवी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने मन की उड़ान भरी और अब उनकी फिल्म रिलीज हो गई है, जिसमें वे काफी उत्साहित नजर आ रही है। पेश एक रिपोर्ट। बाड़मेर की इस बेटी सोहनी ने अपना फिल्म निर्माता बनने का सपना पूरा कर दिखाया है और शुक्रवार को बाड़मेर की बेटी की फिल्म आखिर पलायन कब तक रिलीज हो गई। सोहनी बता दिए कि यह सफर आसान नहीं रहा, मन में कुछ बड़ा करने का सपना था लेकिन करना क्या है कभी सोचा नहीं। इसी उदेड़बन में जोधपुर गई, जयपुर भी गई लेकिन लगा कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला, जिसके बाद माया नगरी मुंबई का रुख किया और 9 साल के संघर्ष के बाद आखिर फिल्म निर्माता बनने का सपना पूरा हुआ। सोहनी का कहना है कि यदि वे फिल्म लाइन में सफल रहती है तो वह सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाती रहेगी और जिस अभावग्रस्त क्षेत्र से आती हैं उस क्षेत्र के अभावों को दुनिया के सामने लाने का काम करेगी। सोनी के सिर से पिता का साया जब वो छोटी थी तब उठ गया था। पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी सोनी की माँ गौरी देवी पर आ गई थी। सोनी की माँ बताती है कि सोनी सहित घर में 3 बहनें और 2 भाई हैं, ऐसे में बच्चों को बढ़ाना उनका पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनके भाइयों ने इस मुश्किल समय में सहयोग किया। उसकी कोशिश थी कि बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन जाए, इसलिए उसने खुद ब खुद मेहनत की और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा। सोनी का सपना था कि कुछ बड़ा करना है और फिल्म लाइन में जाना है, ऐसे में उसने 12 की पढ़ाई के दौरान मुंबई जाने की इच्छा जताई। उसकी लगन को देखते हुए माँ गौरी देवी ने उसे मुंबई भेज दिया। इस दौरान गाँव वालों ने बेटी को लेकर खूब सुनाया कि बेटी मुंबई में है, उसने भागकर किसी के साथ शादी कर ली है, नाम खराब कर दिया, लेकिन उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उसी का नतीजा है कि आज उसकी बेटी ने संघर्ष करते करते ये मुकाम हासिल किया है। आज सोनी के पड़ोसी भी उसे रोल मॉडल मानते हैं। ये पूर्व विद्यार्थी रही है और मैं सबसे पहले तो सोहिनी कुमारी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत ऊंचाई तक जाए और एक ग्रामीण परिवेश से ऊपर उठकर फिल्म जैसे क्षेत्र में और मुंबई जैसी सिटी में जाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक बाड़मेर पिछड़ा क्षेत्र था जहां महिलाओं को घर से बाहर पैर रखने की अनुमति नहीं थी। परिवार को भी मैं सबल प्रदान करना चाहूँगा कि आपने एक बेटी को वहां तक पहुंचाने के लिए आपने सहयोग किया और उन्होंने एक अच्छा नाम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। भी घटनाओं पर आधारित मूवी है और समाज को एक संदेश दे रही है एकता का और किस नियम क्या होते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी है दी गई है। गौरी देवी को मेहनत और तपस्या का ही नतीजा है कि उसकी एक बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है और एक बेटी एलएलबी की। फिल्म निर्माता दोनों बेटे विदेशों में अच्छे पैकेज के साथ निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं।